Hi everyone, it's 22nd of May and I have given 3 CVT exams up until now and I'm yet to give another 2 exams which are English and GT in another 5 or 6 days. So here's me sharing my experience of what happened during these 3 exams and basically how much I am satisfied or dissatisfied with everything. First of all, my first exam was History and Political Science. एटीन्थ मई को मेरा एग्ज़ाम था एंड सबसे मेन प्रॉब्लम जो सबसे पहले हुई थी वो ये थी कि सेंटर का जो हमें पिन कोड स्पेसिफाई किया था वो पिन कोड एग्जिस्ट नहीं करता था उस लोकेशन पे. हमने जाके तब पूछा कि यार ये एड्रेस मिल नहीं रहा है तो लेट्स जस्ट आस्क पीपल अराउंड एंड दे टोल्ड अस कि ये पिन कोड तो मैम एग्जिस्ट ही नहीं करता है. एंड उस नाम से वो जो बेसिकली स्कूल का नेम हमें गिवन था उस नाम से वहाँ पे 3-4 स्कूल्स थे तो ऑफकोर्स इट गॉट अ लिटिल ट्रिकी टू फाइंड द स्कूल. हम लोग एक घंटा पहले निकले थे इसलिए वी गॉट दैट टाइम फ्रेम टू फाइंड द स्कूल एंड एवरीथिंग एंड दैट इज़ वाई वी वर एबल टू रीच एट द सेंटर. नाउ सेंटर पे जाने के बाद थिंग्स वेंट ऑन स्मूथली. उसके बाद एज सच कोई सा बड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ बट एक चीज़ नोट करने वाली थी वो ये थी कि पेरेंट्स के लिए वहाँ पे कुछ अरेंजमेंट्स नहीं थे. वैसे किसी भी सेंटर पे अरेंजमेंट्स नहीं होते हैं बट एटलीस्ट एक कॉमन कर्टेसी होती है, एटलीस्ट एक पार्किंग एरिया होना चाहिए क्योंकि पेरेंट्स भी कोई व्हीकल्स लेके आते हैं, वो लोग चल के तो आ नहीं सकते हैं पैदल. तो एक पार्किंग एरिया आई थिंक दे डू डिजर्व इट. एंड इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इट्स क्रॉचिंग हीट आउटसाइड, सो कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए वहाँ पे, एटलीस्ट लोग बैठ जाएँ या कोई शेडी एरिया हो जहाँ पे इंसान रेस्ट कर ले. बट अगेन दैट्स नॉट मे बी NTS forte, मे बी that's not written in their job description or whatever, but that's something that's very human and I think that should be done actually. So wo ek point tha. Uske baad exam acche se conduct ho gaya. Hamare invigilators fortunately kafi acche the, they made us sign the documents and paste the photographs in the beginning only. Beech mein biometric ke liye aaye the wo log. अब इस एग्जाम में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई टाइम मैनेजमेंट की बिकॉज हिस्ट्री एंड पॉल साइंस ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आपको इतना टाइम नहीं लगता करने में. यूजुअली यू आर एबल टू कंप्लीट योर ऐसे डोमेन्स के एग्जाम्स इन हाफ एन आवर और मे बी लेस देन 30 मिनट्स. तो वो प्रॉब्लम नहीं थी. टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम इन दो एग्जाम्स में तो बिल्कुल भी नहीं हुई एंड दैट वेंट ऑन वेरी स्मूथली. तो एग्जाम अच्छे से हो गया बट यहाँ पे एक और चीज़ है जो मुझे शेयर करनी थी बिकॉज दैट इज़ समथिंग आई एम फ्रस्ट्रेटेड अबाउट. दैट इज़ कि शुरुआत में ही हमारे ट्रांसपेरेंट फोल्डर्स हमसे ले लिए थे कि ये फोल्डर्स आप साइड में रख दीजिए, आप बाद में इसको कलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से. एंड दे आर नॉट अलाउड इन साइड द सेंटर. ऐसा कुछ लिखा नहीं है NTA की गाइडलाइंस में कि आप कोई ट्रांसपेरेंट फोल्डर कैरी नहीं कर सकते हो, बट ठीक है, वी केप्ट इट असाइड बिकॉज वी हैव टू गो बाय द रूल्स, वी हैव टू गो बाय वॉट द सेंटर पीपल आर सेइंग. So we kept it aside and when I came back my folder got missing. Of course some people will say ki isme koi badi baat nahi hai, you're making too much of an issue out of it, but first of all I'm not making it an issue. Second of all यार एक कॉमन कर्टेसी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस होती है. अगर आपने किसी का कोई सामान कलेक्ट करा है कि आप इसको बाद में कलेक्ट कर लेना, देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडियली टू बेसिकली टेक केयर ऑफ दैट स्टफ एंड मेक श्योर इट डजंट गेट स्टोलन और इट डजंट गेट मिसप्लेस्ड. बट दैट्स वॉट द female guard told me when I asked her that I just kept my folder here and you asked me to do so. She completely refused, and not only refused, she was talking to me so disrespectfully. It was very bad. Like I haven't been talked to like this since a lot of time. So this was what happened during my first two exams. Itna kuch major nahi tha, it went pretty smoothly. Only this incident kind of triggered me because I'm not used to people talking to me like that, in that tone ki hame fark nahi padta, humne to bol diya tha ki nahi lana, tum leke aaye tumhari galti. That is not the tone I expected, but that's fine. That's their call, how they want to talk to people. That shows their personality is not mine. So yeah, next time I had my psychology exam which was on 21st May. It was in CBT mode, that means it was in computer based system. So we reached there on time, we were able to find the center very very easily. It was pretty specified ki hame kahan jana hai, to jaane mein koi problem nahi hui, aane mein koi problem nahi hui.
एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, एग्ज़ाम काफ़ी ईजी आया था. इनफैक्ट साइकोलॉजी एग्ज़ाम वॉज वन ऑफ द ईजिएस्ट एग्जाम्स वी हैव गिवन. एंड इनफैक्ट एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो मेरा पॉलिटी, हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी का एग्ज़ाम रिलेटिवली ठीक ही गया. मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा था बहुत ज़्यादा टफ पेपर आएगा, बिकॉज यू नो दैट इज़ द हाइप दैट वी वर एक्चुअली गेटिंग फ्रॉम द इंटरनेट, दैट इज़ द हाइप पीपल वर क्रिएटिंग ऑन द इंटरनेट. एंड यूट्यूब पर रोज़ रोज़ वीडियोज आ रही थी, यू नो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, वो क्वेश्चन आ सकते हैं, क्रोनोलॉजी कर लो, टाइम लाइन कर लो. एंड ड्यू टू दैट आई टुक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. लाइक इफ यू वॉच्ड माई यू नो 10 डेज बिफोर वाला वीडियो, यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. आई वॉज यू नो लिटरली क्राइंग एंड सॉबिंग बिकॉज ऑफ माई फियर ऑफ दिस एग्जाम. एंड इट एक्चुअली वॉज इन दैट ऑफ अ डील, इट वॉज फाइन, द एग्जाम वेंट ओके. आई डोंट नो वट टू एक्सपेक्ट, बिकॉज कुछ भी डेफिनेट नहीं होता है एंट्रेंस एग्जाम्स में. आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो बट कुछ भी हो सकता है. सो आई डोंट हैव एनी गेसेज, एंड इवन इफ आई डू आई जस्ट डोंट वॉन्ट शेयर देम, बिकॉज अगर वैसे मार्क्स नहीं आए तो आई विल बी डिसअपॉइंटेड. बट माई एग्जाम वेंट वेल, इट वॉज इंट बैड. अब तक कोई एग्जाम बुरा नहीं गया, बट हाँ इंग्लिश के लिए आई एम वेरी वेरी स्केयर्ड, बिकॉज इंग्लिश का एग्जाम जेन्युइनली काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है. एंड नोबडी नोज कि क्या हो जाएगा, नोबडी नोज कितने मार्क्स आएंगे, नोबडी नोज कैसा पेपर आएगा. सो इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल, बट आई थिंक विल बी एबल टू पुल दैट ऑफ if we practice enough, which I'm not, certainly not. That was it from my side. I only wanted to share my views because it's important. If I'm sharing my preparation journey, it's also important that I share my thoughts on it and also the result portion. And yeah, that was it.